पानी उनी भरने के बाद, मतलब पानी उनी भरे, पानी उनी भरने के बाद वॉशिंग मशीन को भरे, कपड़ा उपड़ा डाल के गए थे हम काम करने, पूरा उधर से काम उम करके आए, फिर घर का काम, बाप रे पूरा घर का काम करना पड़ा हमको। और अभी देख रहे रखने का जगह नहीं है, तो अभी हम इसमें सब सब उल्टा उल्टा करके रख दे रहे हैं। और क्या करेंगे गाइस बताइए, देख रहे इसमें रख दे रहे हैं क्योंकि रखने का जगह ही नहीं है घर पे। और मेरा है अगर रखने का जगह, क्योंकि जब तक हम लोग का नया किचन नहीं बन जाता तब तक हम लोग इसी में मैनेज करना हो। तो गाइस पूरा थक गए हम, जा रहा थोड़ा सा आराम करेंगे। ओह इतना ज़्यादा कभी नहीं थके थे, जिंदगी में पहली बार इतना थक गए काम कर करके। और रानी में भी थी तो थोड़ा कर देती थी घर का काम, वो काम कर देने से मेरा पूरा थोड़ा क्या बहुत काम करती हो भी, मेरा घर का पूरा हल्का हो जाता। चलिए लाइट बुता देते वाला। सो ही गाइज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज मैं थक गई गाइज, क्या बताओ आप सबको, क्योंकि आज ना मैं बहुत बहुत यानी कि 2-3 सप्ताह का कपड़ा सब धोई, पूरा हालत करा, पूरा पैर हाथ टूट गया है। और उल्टा मैं पूरा घर को सरियाई, पूरा घर बिखरा हुआ था जानते गाइस, क्या बोलेंगे। छोटा घर था तो कम काम, बड़ा घर है तो बहुत ज़्यादा काम है सच में यार। काम कर करके ना पैर हाथ का ना 12 बज गया। तो अभी चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, पहले हम कपड़ा से स्टार्ट करते हैं, कपड़ा कितना सारा धोया आप लोगों को पता चल जाएगा। बैक कमरा करके दिखाते हैं, सकते हो यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक। और ये देख सकते ईटा में भी कपड़ा 2-4 सुखा है पूरे ये सब। और ये देखो ये बोल रहा है कि वो पानी में डालो, तो लेकिन इसको अभी नहीं डालेंगे, तो देख सकते हो। और इधर इतना सारा बर्तन भी धोना है, और यहाँ से पूरा कपड़ा जो लाइन से देख सकते हो, देखिए कितना कपड़ा धोए, पूरा वहाँ तक कपड़ा है इतना। तो देख लिया आप लोग कपड़ा कितना सारा है, तो कपड़ा हमने तो धो धा के सुखा दिए हैं। और आज गाइस मेरा घर में ना पैसा वैसा नहीं था, तो मतलब पूरी गया था ना, तो सिलेंडर का पैसा भी ख़त्म हो गया था मेरे हाथ में। तो आज मतलब कि जो बचा कुचा पैसा बचा हुआ था उसी से जो सिलेंडर भर लिया। और सबसे मेन बात आप लोगों का गुड न्यूज, 850 रुपया हो गया सिलेंडर, कहाँ 1200-1300 रुपये पहुँच चुका था, अभी 850। थैंक गॉड कि चलो मोदी कम तो किया, शायद वोट के लिए ऐसा कर रहा होगा, तो हो सकता है। तो देख सकते हो यहाँ पर पूरा कपड़ा उपड़ा और मतलब ढक दिए हैं, सिमल रानी का वहाँ पर कोना में कपड़ा सब रखा, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर हम पूरा सरिया सरिया का थैला थैला 4-5 थैला यहाँ पे था, तो वो सब पूरा सूख वहाँ पे पूरा ढक दिए। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा कथरी उथरी सजा दिए हैं, और ड्रेसिंग है ना, और पूरा सब पूरा साफ उप कर लिए, क्लीन कर लिए, पूरा घर क्लीन हो चुका है देख सकते हो। तो रुकिए एक मिनट, पहले उसको हम ना ढक देते हैं। गाइस आज तो लगता नहीं है कि हम शॉर्ट वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि मेरा हालत संचय हो गया, आज इतना कपड़ा धोए ना उसे हमको पता है, किसी को नहीं, आप लोग का देख ही लिए। और इसको भी अभी धो के हटा दिए तो भींगा है, लेकिन बाहर में जगह नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, सोचे कि इसी को ऊपर में डाल देते हैं। और वो लोग इधर जो चद्दर ढके हैं और सिमलों का कपड़ा सब, वो सब भी डाल देंगे, डाल दिए है, भींगे भींगा सूख जाएगा, ऐसे भी तो गर्मी है ही है। तो यहाँ डाल देते हैं, क्या होगा ढका भी जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। तो यहाँ ढक दिए, चलिए वो रूम भी दिखाते हैं, तो वो रूम को भी प्रेशर या बाप रे घर का काम इतना होता है। आज मेरे पैर हाथ दुख रहा है, बर्तन कैसे धोएंगे वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या करना, बर्तन तो धोना पड़ेगा, नहीं तो कुत्ता उत्ता आएगा जूठा कर देगा। तो चलिए उस रूम जाते हैं, तो चलिए चलते उस रूम में। और पता मेन बात पहले तो वॉशिंग मशीन कुछ फंस गया है, घेर घे 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 आवाज़ आ रहा है, तो शायद आप लोगों को दिखेगा कि नहीं। चलिए पहले सिंक का ये हटाते हैं, थक गए यार, यहाँ पर ना कुछ फंस गया है, कहाँ गया, पत्थर सब है यहाँ पे, छोटा पत्थर सब।
देख कुछ आवाज आ रहा, देखो देख निकल ही नहीं रहा, कैसे निकाल समझ में। फिर भी आवाज आ रहा है, जोर जोर आवाज आ रहा है। तो गाइस अपन तो निकाले थे पत्थर को, गॉड गाइस पत्थर निकल गया, नहीं तो पूरा आवाज आ रहा था। अब चलिए इसको थोड़ा हम पोंछ देते हैं। अब आपको पता है आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा हमारा होम टूर होम घर वाला ब्लॉग, लेकिन क्या करेगा इस कोई नहीं है। क्यों नहीं, बाबू तानिया कोई नहीं है, सब कोई गए हैं अपना किसी, मतलब कैसे बताया, बताना नहीं, हम शुरू से ही जब नहीं बताया है तो अभी क्या बताएंगे, इसीलिए। तो देख सकते हो इसको भी पूछ देते हैं, कितना गंदा हो जाता है सब भी ना, सबको पूछ पाछ के रख दे। लाख बोलते हैं ना, जितना भी चाहो घर को सफाई रखने का, और भी चाइल्ड घर में इम्पॉसिबल है, जहाँ बच्चे सब होंगे ना उस जगह तो घर कभी सफाई साफ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये चीज़ आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। ये सबको बंद कर देते हैं क्या, तो गाइस अभी भी हम वॉशिंग मशीन का पूरा पैसा नहीं दिए, पता है आप लोगों को नहीं पता। तो चलिए पूछा गया, अब कपड़ा यहाँ पे रख देते हैं, बाल्टी हम बाहर कर देते हैं क्योंकि बाल्टी का काम हो चुका हमारा, और अभी बर्तन धोए। तो चलिए आप लोगों को इधर का दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं इधर जैसा था वैसे ही है, लेकिन और चावल नहीं मिला गाइस, दो महीने से राशन चावल नहीं मिला, तो देखिए बस इतना चावल बचा है, और कितना दिन होगा ये भी नहीं पता। देख सकते हो पूरा यहाँ का सरिया दिए, और यहाँ पे कपड़ा सब यहाँ पे मेरा है, और यहाँ मेरा पति का, और वहाँ लैपटॉप वोटॉप रखा हुआ है बस। और पूरा बेड देखिए, बेड को सरिया दिए, कैसा लग रहा है इस बताइए कमेंट करके, धुंधला ब्लर आ रहा ना। तो देखिए तो यहाँ सजा दिया, और यहाँ तो बाबू और तानिया कपड़ा था, इसको ढक दिया, और नीचे हम पानी डाल दिए क्योंकि मिट्टी मिट्टी पूरा घर हो रहा था इस वजह से। तो पूरा घर साफ सफाई हो चुका है, और इसको भी पोछ पाछ के रख दिए हैं। अभी जा रहे हैं बर्तन धोएंगे, वाइटी वाइटी आज अकेले है क्योंकि इसका पापा गया है और दीदी भी गया है ना बेटा। बस सोना देखिए मुँह फेर रहा है, हमसे बात नहीं करने खोज रहा, जब भी ब्लॉग स्टार्ट करेंगे ना नहीं देखने खोजता है कैमरा में, पता नहीं क्या होता है कैमरा में, देखिए क्यूट है ना। तो चलिए बर्तन धो लेते हैं, इस पानी से एक बार धो लेते हैं फिर उसमें धोएंगे। तो अपने आप लोग बने रहे ब्लॉग में, तो पीढ़ा तो है नहीं, पीढ़ा भी इसी को बनाना हो गया, बैठेंगे गाइस इसी में, ज़्यादा लंबा हो गया इसी में। तो चलिए धो लेते बर्तन। सो गाइस आज ऐसा लग रहा ना कि 10 साल का बाद काम किए, सच में इतना शरीर मेरा दर्द हो रहा है ना काम कर करके। सुबह से जानते उठ के हम पूरे बिस्तर उस्तर सर, मतलब बिस्तर नहीं मतलब कि रिंग लाइट जलता है ना, दिन भर जलते रहता है, पूरा घर अंधेरा हो गया। तो जा रहे हम थोड़ा डोगी को अंदर करते हैं, हम भी थोड़ा आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी प्यार से अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा बस, और आशीर्वाद दुआ देते रहिएगा, हम ऐसी मेहनत आप लोगों के लिए करते रहेंगे। आई होप कि आज हम शॉर्ट वीडियो बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे हमको नहीं पता, कोशिश करेंगे। तो चलिए बाय।